हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड का जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है उसके 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है लीनियर प्रोग्रामिंग से, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग का अगर प्रॉब्लम आपको सोल्व करना है तो आपको थोड़ा बहुत ग्राफ ज़रूर आना चाहिए, तभी सोल्व होगा, अदरवाइज ये सोल्व नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें दिया हुआ है आपका सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या करना है, ग्राफिकली ही सोल्व करना है, जबकि हमको ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ग्राफ बनाने का ये इक्वेशन है, इसमें से ग्राफ बनाकर हमको ये इसका मैक्सिमम वैल्यू जेड का निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको सपोज मानते हैं ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, ये इक्वेशन थ्री है और ये इक्वेशन फोर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये बनाएं। इसमें देखिए ये मेरा ओरिजिन हो गया जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। इसमें एक चीज़ देखिए, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। यही फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन है मेरा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इक्वलिटी बनाकर ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, सॉरी 50, यहाँ पे 50 था। तो हम लोग क्या हो जाएगा, अगर x वाई इक्वल टू 50 माइनस एक्स, इक्वलिटी करते हैं तो इस तरह से आता है। तो अगर x 0 है तो y मेरा 50, y 0 है तो x मेरा 50। तो सपोज यहाँ पे कहीं पॉइंट है 50 50, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 का ग्राफ। लेस देन इक्वल टू इसलिए दिया रहता है कि इसके लेस देन इक्वल टू मतलब इसके अंदर का एरिया लेना है, ठीक है, ऊपर वाला एरिया नहीं लेना है, ठीक है। ये एरिया हम लोग को बस डिफरेंट लेना है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है तो ऊपर का एरिया लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 करते हैं, तो मेरा वाई इक्वल टू मेरा क्या आता है, 90 माइनस 3x, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, अगर x मेरा 0 है तो y 90 और y मेरा 0 है तो x मेरा क्या आ जाएगा, 30। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, सपोज यहाँ पे 90 पॉइंट है, यहाँ पे मेरा 30 पॉइंट है। तो हम लोग इसको इस तरह से रफली मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये मेरा किसका ग्राफ हो गया, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। तो ये जो तो इसके अंडर में जो एरिया आया वो ये आया, ठीक है, ये एरिया प्लस ये एरिया। तो इस दोनों ग्राफ का जो कॉमन एरिया आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरा जो ओ था और ये मेरा ए है, जो कॉमन एरिया है दोनों का, ये बी ये सी, ठीक है, ये एरिया मेरा दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा 30 0, ये मेरा हो जाएगा आपका 50 0, ये मेरा, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों का, दोनों जो ग्राफ का जो दोनों जो लाइन है उसका कटिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग दोनों को सोल्व करेंगे तो ये यहाँ का कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 0 50, यहाँ का कोऑर्डिनेट मेरा होगा 0 और 90, ठीक है। तो हम लोग बस इस एरिया की बात करेंगे, इस एरिया में जो मेरा आएगा उस एरिया की बात करेंगे, ठीक है। इसका ही हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, कहाँ पे मेरा मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है। ये का मेरा बाई इक्वल टू 50 माइनस एक्स है और यहाँ बाई इक्वल टू 90 माइनस 3x है। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो 50 माइनस एक्स इक्वल टू 90 माइनस 3x, ठीक है। आप लोग रफ में यहाँ पे साइड में जब अच्छे से बनाएंगे
तो साइड में रख करके बनाएंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, 2x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू मेरा क्या हो गया 20, तो y मेरा क्या आ जाएगा 30। तो ये मेरा जो है यहाँ पे b का कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो गया 20 और 30, ठीक है। क्या हो गया, ये जो रीजन होता है, ये जो रीजन है ये मेरा क्या है, बॉन्डेड रीजन है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन, ठीक है। तो फ्रॉम द ग्राफ हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इधर से, फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन मेरा क्या है, ओ ए बी सी। आप कुछ भी मान सकते हैं, जनरली हम लोग ए बी सी माने हैं। ओ ए बी सी क्या है, इज बॉन्डेड, तब तक उसका हम लोग का मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पहले ये देखना है कि ग्राफ बॉन्डेड है या नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ये सारे का कोऑर्डिनेट कितना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ओ, ओ का कोऑर्डिनेट कितना है मेरा, इतना 0 0, बी का है 30 0, सी का है 20, ओ ए बी, बी का मेरा है 20 30 और सी का है 0 50, ठीक है। तो अब इस चारों जो कॉर्नर पॉइंट है उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, जेड का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इस अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ जेड एट ईच कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। कितना आएगा मेरा, जेड एट ओ 0 0 इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, सिंपल जेड इस पर हम लोग रख के देखते हैं, जेड एट इतना 0 0, तो जेड मेरा कितना है 4x प्लस वाई है। तो यहाँ पे 4 × 0 प्लस 0 करेंगे तो मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जेड एट ए 30 0 मेरा कितना आ जाएगा, 4 × 30 प्लस 0 इक्वल टू 120 आ जाएगा। जेड एट बी मेरा कितना, 20 और 30 है तो इसको किस तरह से निकालेंगे, 4 × 20 प्लस 30 तो मेरा कितना हो जाएगा 80 110। जेड एट सी मेरा 0 50 तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 4 × 0 प्लस 50 तो ये 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जेड का मेरा कितना वैल्यू आया, 4 वैल्यू आया, तो ओ मेरा कितना आया 0, जेड एट ए मेरा कितना आया 120, जेड एट बी मेरा कितना आया 110, जेड एट सी आया मेरा 50। अब इस चार वैल्यू में, ठीक है, इस चार वैल्यू में जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको लेंगे, तो क्या ये मेरा क्या है, मैक्सिमम है वैल्यू ऑफ जेड, हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 120 एट द पॉइंट 30 0, ठीक है। हम लोग 30 0 पॉइंट पे मेरा क्या आया, जेड का वैल्यू मैक्सिमम आया। तो इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम था, तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।